हेलो हेलो श्री गजानंदयानंद करो और करो सुख संपत सीर दुश्मन ने सजन करो रामानिवित जिमामुखी श्री विघ्न हरण मंगल करण होत बुद्धि प्रकाश नाम लेत गणराज का कटे क्लेश विकार तू दलदक भंजना और सजान बालक बेश सारा पेली सिमरिए जत गोरी नंद गुणेश कंड बिराजो म शारदा जिबिया बिराजो महेश भूल्या अक्षर कंट करो मारा गवरी नंद गुणे सिंह चढ़े देवी मिले तो गुरुड़ चढ़े भगवान बेल चढ़े शिव जी मिले पूर्ण हो सबका बोली गजानन जी महाराज की तो प्रथम वंदना गणपति की और रिद्धि सिद्धि के भगवान नित्य वंदना सरस्वती हरे प्रतिवीर हनुमान हरे। तो आओ अभी गजानन जी याद कराओ और किसी प्रकार बात बने हा 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 जी गजान दे आहा बोली हो मारी सभा में रंग बरसा बोली जानती आओ हर सभा में रंगी भरी सावो गणराज विनायक आवो जी हर सभा में रंगी भर सावो Thank you.
महाराज विनायक आवो नी मारी सभा में रंगी बरसावो नी महाराज विनानंद आवो नी मारी सभा में रंग बरसावो नी पते नमो नमा सिद्धि विनायक नमो नमा अष्ट विनायक नमो नमा मंगल मूर्ति मोरिया गजानन जी महाराज की जय हो। बोली सत्य नारायण भगवान की जय हो। तो गजानन जी आज बढ़िया प्रकार बालाजी महाराज मनावा कणी प्रकार बात माने कथा प्रारंभ होते तो सुनो भी हनुमान आसन ली जो प्रेम से आय विराजो हनुमान जय हो। हे पवन तनय अंजनी के लाल
अपनी तंद्रा को त्यागो तुम्हें संपूर्ण शक्ति के साथ साथ राम दुलारे जागो तुम। बोलिए बालाजी महाराज की। कठे भी कथा कीर्तन विवेक तो बटे भगवान का परम बालाजी जरूर विद्यमान वे। अरे नमः। तो आओ अभी सब जना भगवान बालाजी याद कराओ और कड़ी प्रकार बात वाले। हा वीर हनुमान अति बल बहाना वीर हनुमान अति बल बहाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे हरियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे बालाजी महाराज की जय।
हेलो 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 कीर्तने में सारण है अरे कलिमल कलुषे विहीन रेत थे जहा सूत जी तप करने में लीन अरे नमा अरे विख्यात तत्वदर्शी थे वे नाना विषयों के ज्ञाता थे रोचक पुराण गाताओं के अति प्रवीण व्याख्याता थे। जय हो। बोली सत्य नारायण भगवान की। तो सज्जनों एक समय की बात है नेमिचार्य ने तीर्थ में 88,000 ऋषिगण सूजी महाराज लारे विद्यमान हा। अरे नमः। सूजी महाराज अपने सब शिष्य बटे प्रवचन देता शास्त्र की बात कहता और वस्तु विधान बतावता। जय हो। एक बार 88,000 ऋषि सब मलिन गुरुदेव ने समक्ष हाथ जोड़ो है और गुरुदेव के वे की आज रानी कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य बड़ो दुखी है। जय हो। वंडो दुख मिटावारो कोई उपाय में तो बताओ बताओ। अरे नमा अशोक तप वे तो बताओ जण्यू कम समय में अधिक फल मिल सके। सूजी महाराज अशोक प्रश्न होने बड़ा प्रसन्न व्या है और शिष्य केवे के आज तो आपको उत्तम प्रश्न पूछो है। जय हो। सूजी महाराज बोले हे मान्य वरो एक बार ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी यो इस प्रश्न ले वैकुंठ में गया भगवान विष्णु को। अरे नमा। और वटे कई बात भी भगवान विष्णु कई उपाय बतायो वो मु आप सबाए हुनो। जय हो। और कड़ी प्रकार बात आने ध्यान पूर्वक जो अच्छी बने सर। एक ही समय अरे नारद मन आनी हो मृत्यु रे लोक उड़िया रे अठानी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम दशीरथि अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय सत्य नारायण भगवान की। जय हो। तो सूजी महाराज के वे कि एक बार योगीराज नारद जी यो इस प्रश्न ले
तीनों ही लोग यात्रा करते तका मृत्यु लोक में पहुंचे। अरे नमा वटे नारद जी देखे कि कोई अन्न बिना दुखी है तो कोई धन बिना दुखी है और कोई संतान दुखी है तो कोई संतान बिना दुखी है। जय हो। मृत्यु लोक में प्रत्येक मनुष्य कणी न कणी रूपो दुखी दुखी है सर। मृत्यु लोक में के जटे अभी रीरा ने धरती है मृत्यु लोक के। जय हो। अटे जो आयो है उन्हें जानो है और जो वण्यो है उन्हें मगड़नो है। अरे नवा अणि बात है मृत्यु लोक के। अबे नारद जी वैकुंठ लोक में पहुंचे तो वटे वैकुंठ री शोभा नहीं आ रे बटे नाना नाना प्रकार रा अनेको रुकड़ा लगी रा है। जय हो। अनेक फुलवरिया खड़ी लगी है और बड़ी भव्य शोभा है। अरे नवा ओकासु और ओकासु जाली और जरोकासु देव रमणिया वना पे पुष्प बरसावे। स्वागत वीरियो सा। हां जय हो। अबे नारद मुनि आगे बढ़े तो बड़ो भारी स्वागत देवे और विष्णु भगवान रे बटे चरण कमल कोडे पहुंचे। अरे नमा बटे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु रा पग दबैरा है और जय विजय नामक सेवक बना रहे चवर ढुलई रहे हैं। भगवान भी सुंदर छवि देखे नारद जी मन ही मन बड़ा राजी भी है और अपने आप एक किस्मत वाला हम जी रहा है कि भगवान का साक्षात इतना सुंदर छवि का दर्शन अभी करी सकी रहा। अरे नमा भगवान पे सुंदर मुकुड़ा रा दर्शन कड़ी रूप में करे और कई बात बड़े ध्यान पूर्वक बुझो। हा ओ सावरिया तुमको किसने सजाया है गिरधारी तुमको किसने सजाया है तुम्हें सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है तुम्हें सुंदर से गजरा पहनाया सजाया है गिरधारी तुझको किसने सजाया है और सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। चेहरा चमकता है तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार में बिकता है तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार महकता है।
भगतों को तेरी फिकर बनवानी तेरे भगतों को तेरी फिकर लग ना जाए दुनिया की बुरी नजर हर लग ना जाए तुझे दुनिया की ये नजर सांवरिया तू किसने सजाया है बनवारी तुझको किसने सजाया है हर सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है किसने सजाया है बनवारी तुझको किसने सजाया है हर सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है रोज करूं श्रृंगार अभी कुटिया में मेरे अरे आवो एक बार मेरी कुटिया में प्रभु कोई आवो एक बार कन्हैया लाल की जय हो जय घोष करते रहे कथा का आनंद लेना है तो तन मन से बिराजे और जब जय घोष होता है तो जय घोष करते रहे कथा भाव से श्रवण करनी पड़ती है एक सुनना अलग बात होता है और एक श्रवण करना बहुत अलग बात होती है तो कथा को श्रवण करें ताकि उसे अपनी आत्मा में भगवान के प्रति भाव बढ़ा रहे बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो तो अभी नारद जी भगवान विष्णु का दर्शन हारो दर्शन करें बड़ा राजीव्या है जय हो विष्णु भगवान अपनी आंखें खोली है और नारद मुनि आवारों कारण पूछो अरे नारद मुनि भगवान विष्णु है दंडवत प्रणाम की दो है और नारद मुनि के वे हे भगवान आज मु एक बहुत बड़ो प्रश्न लेने आयो हूं मु तीन ही लोगों की यात्रा कर दो तो को अटे आयो हूं तो मैं मृत्यु लोक में देखियो कि सब मन कणी कणी प्रकार दुखी है घना दुखी है तो नारद मुनि बटे
मृत्यु लोग रो दुख प्रकट करे और कई बात मैंने ध्यान पूर्वक समझो अच्छा बने सर हाँ हाँ ओ में तो देखी आयो रे मृत्यु लोक मनक जटे दुखी गणा आयो रे मृत्यु लो मनक जटे दुखी गणा सबरा दुख वर्णन करे तो विष्णु भगवान कहवे कि हे नारद मुनि मृत्यु लोक में प्रत्येक मानव वाली बात दुखी है कि झूठा अटका खटका में पड़े तो है झूठो दिखावे करे हाँ जय हो एक दूसरा रीत देखा देखी घोड़ा फोड़े चाहे फोड़े गए वे या नहीं वे दिखावो करनो आज जमाने में जरूरी है कर्जो करी नहीं करते हरे नमः जय हो तो आज रो मानव झूठा अटका खटका में पड़ो तो कोई अणी बात दुखी है हरे नमः तो कड़ी प्रकार बात हमारे ध्यान पूर्वक हो जो हाँ ओ अटका खटका में या भूली दुनिया भूल गई भगवान अटका खटका में अटका खटका में अटका खटका में या भूली दुनिया भूल गई भगवान अटका खटका में तंबोली को पान का खटका खटकाओ खटका अरे खाने वाले को रहता है अपनी जुबान का खटका जय हो तो गाने वाले को सुर ताल का खटका अटका खटका में खटका में या बोली दुनिया भूल गई भगवान अटका खटका में Thank you.
और किसका गटका कई प्रकार बात बने अच्छी बने जो अरे पटवारी को रहता है अपनी जान का खटका खटका तो इज्जत वाले को रहता है अपनी शान का खटका शानो शान अरे कायर को रहता है अपनी जान का खटका खटका तो कमंडी को अभिमान का खटका 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 में आप भोली दुनिया भूल गई भगवान खटका खटका में खटका खटका में आप भोली दुनिया भूल गई भगवान खटका में खटका में वटका खटका में वटका खटका में वो झूठा झगड़ा में तो भोली दुनिया भूल गई भगवान खटका खटका में नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान बतावे कि झूठा अटका खटका में दुनिया पड़ी देखी है अरे बातें दुखी है। तो नारद मुनि कहवे कि अनिवार्य इस मु आप कोड़े आयो हो कि कई उपाय विधान वे तो मने बतावो ताकि कम समय में मनोवांछित फल मिल सके। अशोक भाई व्रत विधान में तो मने बताओ। तो भगवान विष्णु के वे कि मृत्यु लोक रह दुख मिटावा हारो सिर्फ एक व्रत है वो है सत्य व्रत। अरे सत्य व्रत में जो प्राणी नियम कर्म करेला वंडे सभी बात की मनोकामना पूरी हो आनंद में जाई। अबे महाराज जी बताओ कि ये सत्य व्रत नहीं है। जय हो। मन उठो वे बर्बाद पहले झूठ बोलनो शुरू करे आको दन वंडो झूठ डाल निकले ही दन आदमी आ रहा। हां जय हो। तो सत्य कितने धारण करा। तो भगवान कई बतावे कि सत्य सिर्फ एक है। भगवान नारायण भगवान राम रूपी नारायण भी सत्य है और वो सत्य जना अपने शरीर को निकल जावे तो यो शरीर खाली एक पुतलो बने रह जावे। जय हो। तो भगवान बता रहा है कि सत्य तो सिर्फ एक है और वणी सत्य री खोज ना करनो इस जीवन रो प्रथम सिद्धांत है। अरे नमा। नारद मुनि ए भगवान सत्य व्रत रो विधान बतावे और बतावे कई केवे ध्यान पूर्वक जो भगवान विष्णु केवे कि जो भी एनी सत्य व्रत करेला वणी सब मनोकामना पूरी वेला। जय हो। तो नारद मुनि केवे हे भगवान यो व्रत किस तर करनो पड़े कई विधि है और अन्य कई सामग्री चाहिए तरीको कई है। हाँ जय हो। तो भगवान कहवे कि महीना में एक संक्रांति आवे बड़े पूनम कहवे। जय हो। बड़ी दिन भगवान सत्यनारायण रो व्रत रेवे वैसे तो सभी दिन शुभ है जनी भी दिन अभी भगवान रो नाम लेना चाहवा सब तिथि सभी दिन शुभ है। बारहवीं महीना बत्ती गड़ी। हाँ सर। जय हो। जनी दिन भगवान रो व्रत विधान करनो है बड़ी दिन परवाते उठावे जल्दी नाई दो इन शरीर की शुद्धि करनी है झूठ ने त्याग कर सत्य धारण करनो है। अरे नमा। शाम रे समय
केलारो मंडप बनाई केलारे पत्तारो गणपति महाराज नवग्रह सभी देवता री स्थापना करी और अपने इष्ट भगवान ने याद करी भगवान का कथा कीर्तन करना है आरती करी प्रसाद वितरण करनो पड़े। अरे नमा भगवान रे पांचामृत केलारो प्रसाद और जशो भी अपो वने आवे जशो प्रसाद भगवान रे भोग लगाऊंगा और सुबह दान पुण्य करें ब्रह्म भोजन करें अनि भरतरो आनंद लेनो है अनि भगवान सब मनोकामना पूरी करे। अबे नारद मुनि बड़ा राजी वे है और भगवान विष्णु आज्ञा लेवे और केवे कि आप बड़ो उत्तम विचार बतायो है अने मृत्यु लोक में जाई अंडो खूब प्रचार प्रसार करूंगा। नारद मुनि वटु आज्ञा लेवे इतनी श्री स्वतंत्र पुराण रेवा खंडे संगीतमय अटे प्रथम अध्याय पूरो हो। अरे बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय हो। एक छोटो सो कीर्तन और भजन कथा है आगे बढ़ावा आप सब साथ दीजो। हा हा हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद मन गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कैसे आऊं रे सावरिया कैसे आऊं रे बनवरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी रात में अबू तो कना
डर मोय लागे। रात में आऊ तो सवरा डर मोह लागे। दिन में आऊ तो मैं तो दिन में आऊ तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे आऊ रे सावरिया ऐसे आऊ रे गिरधारी ऐसे आऊ रे बनवारी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अगला अध्याय में बतावे अच्छा बतावे और सूरज जी महाराज की राह कई बात बड़े ध्यान पूर्वक जो सूत कहे मुनि कथा बुझाई हो आगे यो व्रत सुनो ऋषि आई कीर्तन में जब राम नाम का जयकारा लगता है प्रभु का कीर्तन होता है सभी के बुखार बीन से राम नाम की धुन निकलनी चाहिए ताकि इस कथा भंडाल का समावेश बना रहे। और क्या कहते हैं ओ हरी कलियुग केवल हरी नाम आधारा हरी सिमर सिमरी नरी उतिरो पारा। आवाज आनी चाहिए जोर से दोनों हाथों की ताली बजते हुए क्या कहते हैं राम सिया राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है हो राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम हरे राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो सूजी महाराज के वे हे ऋषियों काशीपुर रे मायने एक सदानंद जी ब्राह्मण रहता अरे नमा वे भिक्षावृत्ति करते